Hi guys, welcome back to the Man Win One channel. I hope you have liked my previous video for top 5 deodorants in the Indian market that every Indian guy should have. आज हम लोग बात करने वाले हैं, in fact compare करने वाले हैं दो fragrances को, जिसमें से एक है बहुत worldwide famous Dior Sauvage और दूसरी है उसका clone Armaf Ventana. तो चलिए आज हम इन दोनों perfumes को compare करते हैं face to face और जानते हैं इसमें से कौन सा परफ्यूम आपको लेना चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट परफ्यूम इज Dior Sauvage, द वेरी पॉपुलर वन वर्ल्ड वाइड. एंड द सेकेंड फ्रेग्रेंस इज दैट वी आर गोइंग टू कंपेयर इज Armaf Ventana, दैट इज अ क्लोन ऑफ Dior Sauvage. तो इंडियन मार्केट में ये दोनों परफ्यूम जो हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं. स्पेशली वेंटाना अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बट आई डोंट थिंक कितना ईजिली अवेलेबल है आपके लोकल मार्केट में. आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ता है, बट मुझे ये रिटेल पे मिल गया था मेरे पास वाले ड्रग स्टोर से. तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं. तो इसमें जो है मैं 5 पॉइंट पे कंपैरिजन करूँगा और एंड में आपको अपना रिकमेंडेशन बताऊँगा. तो जो फर्स्ट पॉइंट है जिस पे हम इन दोनों को पहले कंपेयर कर रहे हैं वो है इनका प्रेजेंटेशन. तो पहले Dior Sauvage की बात करते हैं. इसका जो बॉक्स है मेरे पास ये 100 ml का है. तो इसका जो बॉक्स है बहुत क्लासी बॉक्स है. यहाँ पे लाइंस भी मिल जाएंगे आपको, मतलब पूरा डिटेलिंग दे रखा है बॉक्स पे. और यहाँ पर जो है आपका बैच कोड और अदर इंफॉर्मेशन है. और यहाँ पे आपका मेड इन फ्रांस और क्रिश्चियन डियोर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है. और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ब्लैक कलर बॉक्स है, ब्लैक एंड ब्लू. और वैसे भी ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, तो मुझे इसका प्रेजेंटेशन जो है वो तो बहुत ही पसंद है बॉक्स का. अब चलिए बात कर लेते हैं बॉटल्स की. तो ये जो बॉटल है, पहली बात तो ये काफ़ी हैवी बॉटल है, पूरा ग्लास में है. और जो इसका कैप है, मैग्नेटिक कैप है, यू जस्ट ट्विस्ट इट एंड इट कम्स आउट. और यू जस्ट पुट इट बैक, वो अपने प्लेस पे वापस चला जाता है. तो इसका बॉटल जो है वो बहुत ही क्लासी है और जो इसका ग्लास है वो बहुत हेवी है. इसका मैग्नेटिक कैप भी चेरी ऑन द पेस्ट्री है. तो मतलब ओवरऑल आई गिव द प्रेजेंटेशन ऑफ Dior Sauvage 10/10. ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्रेग्रेंस है. तो बट स्टिल आई वोंट बी पार्शियल, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा एंड लेट्स सी हाउ द रिजल्ट गोज इन द एंड. सो दैट वॉज द प्रेजेंटेशन फॉर Dior Sauvage. अब हम चलते हैं दूसरे फ्रेग्रेंस की तरफ, जो कि है Armaf Ventana, मोस्ट अवॉइडेड फ्रेग्रेंस, जो कि इंडियन गाइज हैं ज़्यादा परफ्यूम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, बट फिर भी उन्हें Dior Sauvage का स्मेल चाहिए. तो वो आजकल बहुत पॉपुलर है वेंटाना, तो लोग वेंटाना खरीद रहे हैं. तो मेरे पास क्वेश्चन आया था, हालांकि मेरे फॉलोअर्स उतने नहीं हैं अभी इंस्टाग्राम पे, बट जितने भी हैं उसमें से 2-3 ने मुझसे पूछा था कि वेंटाना और इसी बीच में डिफरेंस. तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. तो प्रेजेंटेशन की जो बात की जाए, वेंटाना का बॉक्स कुछ ऐसा दिख जाएगा. कुछ खास नहीं है, आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड. उन्होंने जेल बार्स की तरह बताया, वेंटाना का मतलब ही जेल होता है. तो आई डोंट नो व्हाई दे आर मेकिंग इट लुक लाइक इट्स द फ्रेग्रेंस फॉर प्रिजनर, बट दैट्स हाउ द बॉक्स लुक्स. यहाँ पे कुछ डिजाइन मिल जाएगा आपको साइड में, दोनों साइड में. और नीचे जो है आपको मिल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग बैच और बाकी सब कुछ. बाकी कुछ खास नहीं है. जो इसका बॉटल है, बॉटल पे आते हैं. तो बॉटल जो है वो प्लास्टिक मेड है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लाइट वेट भी है, ठीक है, मतलब कुछ खास नहीं है, मतलब ओके है फॉर द प्राइस यू आर पेइंग, उसके हिसाब से ओके है. बट इसका कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया. पीछे भी आपको बैच कोड और बाकी सब कुछ मिल जाएगा इसमें. तो प्रेजेंटेशन वाइज ठीक है, बट इसको मैं दूंगा 7/10 और दिस इज द विनर Dior Sauvage 10/10. तो प्रेजेंटेशन में जो है Dior Sauvage ने बाजी मार ली है. अब हम बात करते हैं इनका फ्रेग्रेंस की स्मेल पे, क्या ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है, क्या ये जो है ये रिप्लेस हो जाएगा इसके फ्रेग्रेंस से. तो चलिए इस बारे में बात करते हैं. तो हे कम पार्ट टू, कंपेरिजन बिटवीन द स्मेल. तो देखिए जो Dior Sauvage है, जब ये मैंने पहली बार लिया था तो आई वॉज ब्लोन अवे. मेरे पास ऐसा कोई फ्रेग्रेंस नहीं था और जब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था मैंने उसी वक्त इसको ले लिया था. मतलब 2015 एंड या फिर 16 स्टार्टिंग में ही मैंने इसे खरीद लिया था.
and I was blown away. Iski smell bahut hi achhi hai. Starting mein bahut strong pepper aata hai that maintains throughout, but mids mein jo aap jaate hain ambroxan aata hai, matlab bahut masculine aur bahut mass appealing iski smell hai. Thoda sa harsh hai but wo mujhe bahut acha lagta hai. I really love this fragrance. To ab baat karte hain how does this match to the smell of this. To jo ye hai Ventana Dior Sauvage maine already अप्लाई कर रखा है. अब हम वेंटाना की बात करते हैं. हाउ सिमिलर इट इज. हाँ तो देखिए बहुत स्ट्रांग है. हाँ जी तो हम बात करते हैं इस पर. तो देखिए जो फ्रेग्रेंस की बात है इसे सिमिलर है या नहीं. जी हाँ बिल्कुल है. अब कितना सिमिलर है देखिए. अगर मैं सिर्फ स्मेल की बात करूं स्मेल में तो ये 90-95% सिमिलर है. एंड हाँ सिमिलर है. तो अगर आप इसको अल्टरनेट चाहते हैं चीप प्राइस पे तो ये है आप बिल्कुल ले सकते हैं. बट इसका जो ड्रॉबैक है स्मेल तो सेम है बट इसका ड्रॉबैक है लॉन्जिविटी जिसके बारे में हम थर्ड पॉइंट में बात करेंगे परफॉर्मेंस में. तो अभी स्मेल में तो दे आर गोइंग बोथ हेड टू हेड. इसको अगर मैं दूंगा 10 तो इसको मैं दूंगा 9. कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है क्वालिटी का. ड्योर ऑलवेज मेंटेन्स द क्वालिटी तो थोड़ा बहुत है बट टॉलरेबल है. आप ये भी खरीद सकते हैं उसमें कोई डाउट नहीं है इफ़ यू आर जस्ट गोइंग फॉर द स्मेल. तो ये हो गई हमारी सिमिलैरिटीज की बात फ्रेग्रेंस में. तो अब हम चलते हैं पॉइंट 3 की तरफ जो कि आता है मोस्ट अवेटेड लॉन्जेविटी. क्योंकि हम इंडियंस को क्या चाहिए कि हमारा डीओ हो परफ्यूम हो जो भी हो यार लंबा टिकाऊ हो लंबा चले पूरा दिन हमारे साथ रहे लॉन्ग लास्टिंग हो. तो यहाँ पे आते हैं दो चीज़ें. एक आता है लॉन्जेविटी एक आता है प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन मतलब ये कितना दूर तक जो है स्मेल हो सकता है आपके आसपास वाले लोगों को. तो पहले हम बात करेंगे इसमें ड्योर सावाज की क्योंकि हम पहले इसी को ले रहे हैं तो इस बार भी इसी को हम ले लेंगे. तो देखिए जो इसका लॉन्जेविटी है वो बहुत ही सुप्रीम है. बीस्ट मोड है. 10 out of 10 दूंगा मैं. अगर आप इसे अपने नेक पर अप्लाई करते हैं और अपने कपड़ों पर अप्लाई करते हैं इन समर डेज तो ये आपको एंटायर डे करेगा. मतलब आपको 8-10 घंटे आपके क्लोथेस पे रहेगा आपके नेक पे रहेगा एंड यू विल बी स्मेलिंग गुड द एंटायर डे. तो लॉन्जेविटी में इसमें कोई इशू नहीं है. बीस्ट मोड है. वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस है. और जहाँ तक बात आती है इसकी प्रोजेक्शन की तो ये भी बीस्ट मोड है. मतलब अगर आपने ऐसे 2-3 sprays लगा लिए इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं लगाता हूँ. मैक्सिमम मैं 3 sprays लगाता हूँ इसके. तो जहाँ तक प्रोजेक्शन की बात है वो भी मैं इसे दूंगा 10 on 10. आप इसे एक बार लगा लीजिए और आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद भी पीपल कैन स्मेल यू. पीपल आर अराउंड यू एंड यू पासिंग बाय पीपल कैन इजीली स्मेल यू. तो इसमें कोई इशू नहीं है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंसेज और बहुत ज़्यादा मैस अपीलिंग है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. इसी का रीज़न है कि पॉपुलैरिटी की वजह से अरमाफ को इसका क्लोन बनाना पड़ा. तो ये बात हो गई ड्योर सावाज की जो कि है लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन में 10 on 10. अब बात करते हैं हम आर्माफ वेंटाना की. तो देखिए इसका परफॉर्मेंस जो है डेफिनेटली कैन नॉट रिप्लेस द डियो सवाश बट बुरा नहीं है. इसके अगर मैं लॉन्जेविटी की बात करूँ तो ये आपको दे देगा 4-5 hours 6 hours पुशिंग. तो उसको ज़्यादा नहीं है इसके अकॉर्डिंग. अदरवाइज अपने आप में अबव एवरेज है. एवरेज है तो अच्छा है बट इसके कंपेरिजन में क्योंकि आज हम कंपेरिजन कर रहे हैं इतना अच्छा नहीं है. बट स्टिल अगर मैं इसकी बात करूँ स्कोरिंग की तो मैं इसे दूंगा 6.57 out of 10 इन द लॉन्जेविटी डिपार्टमेंट. और जो सेकंड पार्ट है वो है इसका प्रोजेक्शन दैट हाउ लाउड इट प्रोजेक्ट्स कि मतलब कितनी दूर के लोग जो हैं आपको स्मेल कर सकते हैं. तो इसका जो प्रोजेक्शन है स्टार्टिंग 1-1.5 hours तो अच्छा है बट उसके बाद क्लोज टू स्किन रहता है. मतलब अगर आपके लोग आसपास हैं तो पीपल कैन स्मेल यू अदरवाइज कुछ ज़्यादा खास प्रोजेक्ट नहीं करता. तो अब इसका स्कोर आता है प्रोजेक्शन में मैं इसको दूंगा 7.5 out of 10. तो मतलब बुरा नहीं है बट इट कैन नॉट रिप्लेस डियोर सावाज फॉर मी. बट इफ़ यू आर ऑन बजट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. कोई ख़राबी नहीं है. डियोर इज अर्जिंग यू मोर तो फिर इसका क्वालिटी भी है बट फॉर द प्राइस वैल्यू ऑफ मनी ये अच्छा है. कोई बुरी बात नहीं है. तो दैट टेक्स अस टू द पॉइंट नंबर 4. तो पॉइंट नंबर 4 है कॉम्प्लीमेंट्स फैक्टर. वी इंडियंस लव कॉम्प्लीमेंट्स बट इंडिया में कॉम्प्लीमेंट्स मिलना इतना यूनिक नहीं है जितना कि अदर वेस्टर्न सिटीज़ में है. बट स्टिल हु डज नॉट लाइक टू बी कॉम्प्लीमेंटेड स्पेशली फॉर द फ्रेग्रेंसेज. तो आज हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स की. पहले हम बात करेंगे डियोर सावाज की. डियोर सावाज कॉम्प्लीमेंट साइड में 10 on 10 है. आई एम टेलिंग यू बी गर्ल्स बी गाइज यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्स लेफ्ट एंड राइट. इंडिया में
इंडिया में भी पॉपुलर हो गया है, बट एज कम्पेयर टू वेस्टर्न यूएस कंट्रीज एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज इतना ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में नहीं है कम्पेयर टू दोज. तो मतलब यू विल स्टिल बी स्मेलिंग गुड एंड नॉट वेरी यूनिक, बट स्टिल नॉट, यू विल नॉट स्मेल लाइक एवरी अदर गाय, बिकॉज इंडिया में ये एक्सपेंसिव भी है एंड नॉट एवरी वन इज बाइंग इट. तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्स में ये है 10/10, बिकॉज इसका लॉन्जिविटी अच्छा है, इसका प्रोजेक्शन अच्छा है, तो पीपल कैन नोटिस यू एंड यू विल डेफिनेटली स्मेल गुड एंड पीपल विल कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट. अब इस पे आते हैं. अब इसका कॉम्प्लीमेंट फैक्टर बुरा नहीं है, बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है. मैं इसको दूंगा 8/10, क्योंकि ये लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन में थोड़ा सा वीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्स में इशू हो सकता है कंपेयर टू दिस. अदरवाइज वो अपने अपनी जगह पर अच्छा है, बट कॉम्प्लीमेंट्स में बुरा नहीं है. 8/10, यू विल डेफिनेटली गेट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दिस फ्रेग्रेंस. और सो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट जिस पर हमने बात किया, कॉम्प्लीमेंट्स फैक्टर. नाउ द मोस्ट अवॉइडेड वन, फिफ्थ वन, जो कि है प्राइस फैक्टर. तो डियोर सवाज जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस है. तो डियोर स्टोर पे जो है इसका प्राइस है 6400-6500, आई कैन नॉट रिकॉल इट, फॉर 100 ml. और जो 60 ml का है उसका मुझे पता है 4800 एग्जैक्ट डियोर स्टोर पे आपको मिल जाएगा और सेफोरा पे मिल जाएगा. अब अगर आप मुझसे पूछेंगे प्राइस वैल्यू फॉर मनी है, मेरे लिए तो डेफिनेटली है, क्योंकि मुझे एक ऐसा परफ्यूम चाहिए यार मैं सुबह लगाऊं और भूल जाऊं, एंड आई नो दैट आई विल बी स्मेलिंग गुड फॉर द एंटायर डे. पीस ऑफ माइंड आ जाए कि मैंने एक बार परफ्यूम अप्लाई कर दिया एंड नाउ आई एम सेट फॉर द डे. तो डियोर सवाज इज दैट फॉर मी. तो मेरे अकॉर्डिंगली ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, मेरे लिए है. तो बट इफ यू आर ऑन बजट एंड यू डोंट वॉन्ट टू स्पेंड दिस मच ऑन अ परफ्यूम एंड यू वॉन्ट टू स्टिल स्मेल लाइक डियोर सवाज, तो आप डेफिनेटली जो है वेंटाना की तरफ जा सकते हैं. अब ये ऑनलाइन मिलता है 1000 से 1500 के बीच में मिलता है, बट जो मैंने अपने नियरेस्ट रिटेल स्टोर से लिया है ये मुझे मिला है 850 रुपये का, और मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है. कंपेयर टू दिस ये ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है. दो आई लाइक दिस वन, आई हैव माई ओन लव फॉर दिस वन, बट आई वुड रिकमेंड यू अगर आपको बजट पे हैं और आपको क्या चाहिए तो ये है वेंटाना, आप डेफिनेटली ले सकते हैं. तो प्राइस वैल्यू फॉर मनी के लिए तो ये अच्छा है मेरे हिसाब से. तो अब लास्ट पॉइंट आता है माय रिकमेंडेशंस. तो देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप 6500 डेफिनेटली आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू गो फॉर डियोर सवाज. इट स्मेल्स बेटर, इट हैज अ क्वालिटी, इट लास्ट लॉन्गर, यू लव द बॉटल बिकॉज आई लव द फ्रेग्रेंस एंड देयर बॉटल्स, सो यू लव द प्रेजेंटेशन. एंड एवरी इंडियन गाय शुड हैव दिस इफ यू कैन अफोर्ड, डेफिनेटली इफ यू कैन अफोर्ड एंड ओनली अफोर्ड गेट दिस वन बिकॉज इट्स इज एक्सपेंसिव. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसके साथ जाइए, कोई बुराई नहीं है. इनफैक्ट बहुत अच्छा है, आपको अपनी कलेक्शन में इसे रख के अच्छा लगेगा. अगर आप बजट में हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और आप इतना स्पेंड नहीं करना चाहते बट आप स्टिल इसकी तरह स्मेल करना चाहते हैं, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो फॉर वेंटाना. कोई बुराई नहीं है, प्राइस वैल्यू के लिए अच्छा है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और जो लोग बजट पे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है. तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं और कोई बुराई नहीं है. तो ये था मेरा जो है कंक्लूजन कि ये जो है इसकी तरह 90-95% स्मेल करता है, इसका परफॉर्मेंस भी 75-80% इससे मैच करता है और इसका प्राइस वैल्यू फॉर मनी डियोर सवाज से बेटर है. तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं, बट आप अगर एक फ्रेग्रेंस लवर हैं मेरी तरह और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर डियोर सवाज. दिस इज लाइक इट्स लाइक अ रेवोल्यूशन इन फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री स्पेशली फॉर इंडियंस. इट वर्क्स इन वार्म वेदर, समर में बहुत अच्छा काम करता है. तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए, बहुत अच्छे फ्रेग्रेंसेस हैं दोनों. और हाँ, अगर आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना है तो मैं यहाँ पे पॉपअप में डाल दूंगा 5 फ्रेग्रेंसेस जो आपको लेने चाहिए. और प्लीज़ लाइक द वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप और कमेंट करिए मुझे आपको इन दोनों में से कौन सा फ्रेग्रेंस पसंद है और मुझे सजेस्ट करिए नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बनाऊँ. और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई एम कमिंग अप विद मोर एंड मोर वीडियोज एंड आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच. Jai Hind, have a great day. Bye-bye.